चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 जो आपकी शीट में इसमें आपने अगर लगाया नहीं तब भी दिमाग लगाओ कि क्या एटलीस्ट हो सकता है। सर यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, ये इंटू थ्री हो रहा है बस, 15 × 45 होता है ना, 1.5 का 3 टाइम ये, 0.5 का 3 टाइम ये, बस एक ही पैटर्न अप्लाई हो रहा है। जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बताया था ना, पहला टाइप आपको मैंने बताया हुआ था कि जहां पर प्लस और माइनस अप्लीकेबल होता है उसको मैं यहाँ पर एपी कहते हैं, इनमें प्लस और माइनस की प्रॉपर्टीज होगी। जीपी में आपको बताया हुआ था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टी होती। तीसरी टाइप की सीरीज बताई थी, मिक्स टाइप की सीरीज होती है, इनमें दोनों का मिक्स होगा, मतलब एपी और जीपी का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। लाइक आपको प्लस के साथ क्या हो सकता है मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई के साथ क्या हो सकता है प्लस, मल्टीप्लाई के साथ क्या हो सकता है माइनस, डिवीजन के साथ प्लस हो सकता है और डिवीजन के साथ क्या हो सकता है माइनस। आगे चौथा टाइप मैंने आपको बताया हुआ था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीरीज, पांचवा टाइप आपको बताया था क्यूब एंड क्यूब रूट सीरीज। फिर जब दो सीरीज को आपस में मिला देते हैं, दो या दो से ज्यादा सीरीज आपस में मिला देते हैं तो ऐसी सीरीज थी कंपाउंड सीरीज। तो 11th आपका जीपी का एग्जांपल है, 12th पर आते हैं, 12th दिया हुआ है। अगर आपने नंबर्स को अच्छे से पहचानना सीख लिया, कल आपको बेसिक फंडामेंटल बताया था ना कि अगर आपको अपना रीजनिंग का सेक्शन के साथ साथ मैथमेटिक्स भी सुधारना है तो तिवारी जी होमवर्क था ना, 1 से 30 तक के स्क्वायर्स के ऊपर मैंने बोला था वर्कआउट कर लीजिए। आपको बोला हुआ था कि भाई 1 से 15 तक के क्यूब रट लो और थोड़ा सा टेबल कम से कम 1 से 20 तक की रट लो। तो ये तो आ रहा ना सभी को, नंबर देखते समझ में आया, स्क्वायर नंबर है 11 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 19 स्क्वायर प्लस 4 हो रहा है 23 का स्क्वायर एंड दैट इज 529। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 में आपको दिया हुआ है 19, 2, 38 के बाद है 314 एंड देन 4 क्वेश्चन मार्क, समझ में आ रहा है? ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, नेक्स्ट वाला टर्म आया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, नेक्स्ट वाला टर्म आया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 100 × 4 = 400, 4 × 4 = 56, 456। आगे देखिए नेक्स्ट 14, 14 में आपको दिया हुआ है 4, 5, 9, 18, 34, 4, 5, 9, 18 और 34। सिंपली बहुत तेज तो नंबर नहीं बढ़े ना, जब धीमे धीमे नंबर आपको बढ़ रहा है तो डिफरेंस निकालिए, प्लस 1 ये 9 है, क्या 9 होगा, ये 9 है तो यहाँ प्लस 4 हो रहा है, यहाँ प्लस 9 हो रहा है, ये प्लस 16, सीधा सिंपली नजर आ रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, आगे प्लस कर देंगे कितना 25, जोड़ दो कितना 15, ये आपके 14 तक हो गए। 15 वाला देखें, सिर्फ आप 3, 6, 18 आप नंबर्स में आपस में देखोगे ये तेजी से बढ़ रही, 15 में 3, 6, 18, 72 नंबर तेजी से बढ़ रहे ना, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा, मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा, मल्टीप्लाई बाई 4, 5 से कर लीजिए, जवाब आपको मिल गया 360। नंबर देखिए 16 में आपको दे रखा हुआ है इसने 21, 25, 33, 49 और उसके बाद 81 क्वेश्चन मार्क डिफरेंस, पहले 4 का 8 का 16 का डिफरेंस डबल हो रहा है, डिफरेंस डबल हो रहा है, आगे डिफरेंस होना चाहिए 64 का, नेक्स्ट टाइम आपको पता चल जाएगा कितना 145। समझ तिवारी जी 17, 12 है, 32 है, 72 है, उसके बाद है 152 एंड क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर पहले प्लस 20 प्लस 40 प्लस 80 डिफरेंस बढ़ रहा है ना, पहले 20 का अंतर, यहाँ से 40 का अंतर, 80 का अंतर, आगे डिफरेंस हो जाना चाहिए 160 का, 160 जोड़ दो कितना 312। आगे देखिए 18वां है 2, 15, 41 और 80 नंबर धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे, आप सिंपली अंतर निकालिए, पहले 13 का 26 का और 39, ये 13 की टेबल है, आगे डिफरेंस होगा 52 का, ऐड कर लोगे जवाब आ गया 132। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, 19 में दे रहा है 6, 8, 10, 14 उसके बाद 18
क्वेश्चन मार्क 34, 50, 66 यहाँ अंतर 16 का है, यहाँ भी अंतर 16 का, दो बार 16 का अंतर है, यहाँ दो बार दो दो का अंतर है ना, यहाँ पर ही चार का अंतर है, यहाँ भी चार का अंतर है, दो का चार का 16 का, बीच में आपको जो ये पैटर्न पूरा करना उसके लिए अंतर 8 और 8 का होना चाहिए, 18 में 8 जोड़ा कितना हुआ 26, आंसर क्रॉस चेक करिए, 26 और 8 मिलकर अगला टर्म दे दे रहे हैं आपको 34, 19 तक कंप्लीटेड, कोई डाउट यहाँ तक, नेक्स्ट आते हैं 20 20th नंबर क्वेश्चन में आपको नंबर्स दिया हुआ है 1, 2, 6 and 24, देखिए नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, अगला नंबर आपको जो जवाब के रूप में टर्म मिलेगा 24 × 5 कितना हो गया 120, 21वां देखिए, 21वां है 2, 3, 8 और 63 क्वेश्चन मार्क, कैसे देखे दो का स्क्वायर करिए जरा -1 कितना मिल गया 3, 3 का स्क्वायर करिए -1 किया कितना मिल गया 8, 8 का स्क्वायर किया -1 63 मिल गया, जवाब कैसे निकलेगा, जवाब निकलेगा 63 का स्क्वायर करिए, 63 का स्क्वायर करोगे -1 करोगे, जवाब कितना मिलना चाहिए 1 3 9 6 6, समझ में आया कैसे आएगा 63 का वर्ग कर देना -1। 22वां सवाल देखिए 95 है, 115.5 है, अगला टर्म है 138, नंबर बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी, 198 को 189 कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, डिफरेंस यहां से देखेंगे +20.5 का, यहां से +22.5 का, यहां से पता नहीं, यहां से पता नहीं, ठीक है, अब आपको इसी पैटर्न को अगर फॉलो करें तो यहां पर डिफरेंस होना चाहिए +24.5 का, 24.5 ऐड करोगे तो ये मिलेगा कितना 162.5, और 162.5 में अब इसी बेसिस पर डिफरेंस अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना होना चाहिए 26.5, इसमें जब जोड़ोगे 26.5 को 162.5 में तो आपको क्या मिल जा रहा है अगला टर्म 189। नेक्स्ट देखें 23वां सवाल, 4 है 10 है, अगला टर्म फाइंड आउट करना है, 82 दिया हुआ है, 244 है और उसके बाद है 730, अगर आपको नंबर्स बीच में रिलेशनशिप पता है, 24 × 72 होता है ना, 24 × 3 = 8 का 3 × 24 होता है, 3 × के आसपास के नंबर है, अगर इसका 3 × करोगे तो कितना निकलेगा 246 -2, इसका 3 × करोगे 732 आएगा, यानी कितना -2, पैटर्न पता चल गया, 4 × 3 = 12 -2, इसका वाला जवाब क्या होगा 10 का 3 × 30 -2 जवाब हो गया कितना 28। 24वां सवाल भी देख लीजिए, 2400 में दिया हुआ है 24, 60, क्या स्पेशल है 2400 में, कैसे करा जाए अभी 120 210, कल आपको स्क्वायर एंड क्यूब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, अगर ये अप्लाई कर लो ये नंबर्स आपको कुछ क्यूब नंबर्स के आसपास के नंबर नजर आ रहे हैं, क्यूब नंबर के आसपास के नंबर है ना मनाली, ये 64, ये 27, ये 185, ये 216 के बिल्कुल आसपास के नंबर है, ये आपको पता चला 3 का क्यूब -3 है, ये 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, आगे का जवाब क्या हो जाएगा 7 का क्यूब -7, 343 -7 यानी जवाब हो गया 330। अगर आप इस मेथड से नहीं निकाल पाए, अगर आपको मान लिया ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है आपके दिमाग में कि ये वाला सर, अगर हमारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया तो हम दूसरा मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं, वही सिंपली आप डिफरेंस फाइंड आउट करिए, अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पर 36 का डिफरेंस है, यहाँ पर 60 का डिफरेंस है और यहाँ पर कितने का 90 का, और आगे आपको पता करना डिफरेंस कितने का होगा, अगर आप पहली लेयर से पता नहीं कर पा रहे तो दूसरी लेयर का डिफरेंस निकालिए, यहां से यहां का रेफरेंस कितने का है 24 का और यहां से यहां कितने का 30 का प्लस, अब आपको पता चल रहा है ये +6 हो रहा है तो आगे 36 का डिफरेंस,
अब जैसे 60 और 30 जुड़ के 90 हुआ, 90 और 36 जुड़ के कितना हो गया 126। अब आप 126 उसमें जोड़ लिए, 210 में 126 जोड़ोगे कितना मिल गया जवाब अगेन आपको 336। आगे देंगे 25वां सवाल, 25वें में आपको दिया हुआ है 5, 17, 37, 65 क्वेश्चन मार्क 145। क्या करना चाहिए? +12 +20 यहाँ पर कितना हो रहा है 28। सिंपली समझ में आ गया सीरीज का पाटा, 12, 8, 20, 20 और 28, 28 और 8 अबकी बार जोड़ना चाहिए कितना 36। 65 पर ज्यादा 36 जोड़ के बताइए कितना आ रहा है 101। अभी आप जवाब चेक कर लीजिए सही कि नहीं है, 36 के बाद आगे कितना जोड़ना पड़ेगा 44 और 101 पर 44 जोड़ने पर आपको कितना मिल जाएगा 145। 26वां देखिए, 26वें में आपको दिया हुआ है 9, 11, 20, 31 और क्वेश्चन मार्क 82। पढ़ते ही समझ में आ गया 9, 11, 20 क्या होता है, 9, 11 जोड़ने पर 20 होता है, 9, 11 जुड़ के 20 आ गए, 11, 20 जुड़ के अगला टर्म 31, 20 और 31 जुड़ के 51। जवाब चेक करो, अगर 51 करेक्ट है तो पिछले वाले टर्म के साथ ऐड होके 51 + 31 कौन मिल रहा है 82। जवाब सही है। नेक्स्ट देखें 27वां सवाल में दिया हुआ 5, 16, 49 और 104। सिंपली अगर शुरुआत में देखा तुमने तो यहाँ तो नजर आया 5 + 15 = 16, 16 + 48 = 49, लेकिन आगे नहीं फिट होगा। तो आप ऐसे केस पर डिफरेंस देखो, डिफरेंस प्लस क्या आ रहा +33 + 55, ये आपका 11 की टेबल है लेकिन ऑड वाली, 11 × 1, 11 × 3, 11 × 5, 11 × 7, 77 जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा जवाब 181। नेक्स्ट देखें, हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 28 पे, 28 पे है 462 420। अब की बार यहां पर घट रहा है, एपी से चेक करिए ये है 380 और नेक्स्ट टर्म है 306। मिसिंग टर्म यहां पर फाइंड आउट कर रहा है, ये कितना माइनस हो रहा है 42 माइनस का 40 माइनस 38 कर ले और आगे फिर माइनस 36 होना चाहिए। जब 38 माइनस करोगे तो इससे कितना मिलना चाहिए 342। अगर करेक्ट आंसर है तो ये आगे भी सेटिस्फाई करना चाहिए, 342 - 36 306 मिलेगा, यानी हमारा आंसर क्या है करेक्ट। 29वां देखिए, 29 में दिया हुआ है 1, 2, 5, 12, 27, 58 और 121 क्वेश्चन मार्क। अगर हम सिंपली देखें 1 का 2 × 2 कुछ भी नहीं जुड़ा 0, 2 का 2 × कितना होता 4, 1 जुड़ गया, 2 का 2 × किया 5 का 2 × किया 10, 2 जुड़ गया, 12 का 2 × किया 24, 3 जुड़ गया, 27 का 2 × 54, 4 जुड़ गया, आगे 58 का 2 × करोगे 116, 5 जुड़ गया। आगे जवाब निकालने के लिए हमें गुणा 2 + 6 कर देना चाहिए, 121 का 2 × हुआ 242 और 242 में जब 6 जोड़ दोगे तो 242 में 6 जोड़ने पर आपको मिल जाएगा कितना 248। 30वां देखें, 30वां है 3, 8, 13, 24 और 41। इस सवाल का जवाब किसी को आया आपके से? कितना? 80 सर। गलत जवाब आया 80। 80 इज रॉन्ग आंसर, कोई आप में से बता पाएगा? एनीवन? सत्तर आ जाएगा, बोलिए। हाँ, जोड़ना जोड़ प्लस स्टार्ट लाइक ही जोड़ता जाएगा, 8 + 11, 11 + 2, 13 + 8 + 3, 24 + 41, 24 + 13 + 4। देखें अगर आप सीरीज को देखोगे बहुत धीमे धीमे बढ़ी हुई है, अगर सिंपली डिफरेंस निकाल के करने की कोशिश करोगे तो यहाँ भी 5 जुड़ा, यहाँ भी 5 जुड़ा, यहाँ 11 जुड़ रहा और यहाँ पर 17 जुड़ रहा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा।
ना ये स्क्वायर नंबर से बनने वाला है, ना ये क्यूब नंबर से, ना ही आपका ये प्राइम नंबर है। आप अगर ये देखोगे कि अगर हम टर्म्स को जोड़े, ये स्पेशल सीरीज है, अगर इन दोनों टर्म्स को जोड़ते हैं तो 3 + 8 जोड़ने को हमें कितना मिला 11, हमें एक्स्ट्रा कितना जोड़ना पड़ रहा है 2। अगर 8 और 13 को जोड़िए, अब इन दोनों टर्म को जोड़ते हैं, 8 और 13 को जोड़ने कितना मिला 21 प्लस कितना करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 3, 24 लाने के लिए। अब 13 और 24 को जोड़िए ना, 13 और 24 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिला 47, जबकि यहाँ एक 41 है, 4 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा ना। अब अगला टर्म फाइंड आउट करने के लिए 24 और 41 को ऐड किया, 24 और 41 को जोड़ने 65 आया, प्लस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा 5, जवाब आपको यहाँ मिल गया कितना 70। 31वें का जवाब आया। नंबर्स को देखते देखे यहाँ पर, नंबर्स को जैसे ही आपने देखा तो समझ में आ गया सारे प्राइम नंबर्स हैं, सारे प्राइम नंबर्स हैं 17, 19, 23। अब आपको यहाँ पर बीच का एक प्राइम नंबर मिसिंग है, वो जवाब के रूप में रख देना, वो कौन हो जाएगा 31। नेक्स्ट देखिए 32वां सवाल 32वें में 5, 6, 9, 15 और आपके पास है कितना क्वेश्चन मार्क और 40, क्या हो रहा है इसमें? डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस अगर निकालें तो 1 का है, 3 का है, 6 का है, यहां पता नहीं, यहां पता नहीं, ठीक है। पहली लेयर से आपको समझ में अगर नहीं आया तो आप दूसरी लेयर पर जाइए, यहाँ पर डिफरेंस है 2 का और यहाँ पर कितने का है, अब आगे पता चल गया यहाँ पर कितने का होना चाहिए 4 का, तब 4 का होगा 6 और 4 यहाँ कितना हो जाएगा 10, और आगे यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए 5 का, 10 और 5 यहाँ कितना होना चाहिए प्लस 15। इतना समझ में आता है? अब यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, जैसे 9 और 6 जुड़ के 15, 6 और 3 जुड़ के 9, वैसे 15 के साथ 10 जुड़ेगा और जवाब के रूप में मिलना चाहिए 25। अगर आंसर करेक्ट है तो आगे भी सेटिस्फाई करना चाहिए, 25 और 15 जुड़ने पर आगे मिला 40, सेटिस्फाई कर रहा है। 33वां देखिए सवाल, यहाँ पर दिया हुआ 3, 12, 27, आगे है आपको 48, 48, 75 और 108, इसके बाद का टर्म बताना है, क्या करना चाहिए, डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 9 यहाँ पर 15 जुड़ रहा है, यहाँ पर 21 जुड़ रहा है और यहाँ पर कितना 27 जुड़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। 9, 6, 15, 15, 6, 21, 21, 6, 27 और यहाँ पर आपका 33 जुड़ रहा होगा, जो जुड़ रहा है, जो ऐड हो रहा है नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए, उसमें 6-6 की हर बार वृद्धि हो रही है, अब की बार 39 जुड़ना चाहिए, 39 जब जुड़ेगा तो ये आपको जवाब दे देगा कितना 147। 34वां सवाल देखते हैं, 34वें में दिया हुआ 134, 145, उसके बाद है 356 और लास्ट वन आपको टर्म दिया हुआ 467। एक खास चीज, जब भी कभी आपको याद देखे, जो भी नंबर्स हैं वो 3 डिजिट के नंबर है ना, उनकी हर एक, जैसे 100 डिजिट आपका ये यूनिट डिजिट, ये टेंस डिजिट, हर एक डिजिट एक एक प्लस हो रही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये वाला 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये वाला 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, जब हर एक डिजिट एक एक बढ़ जाए तो इसका मतलब प्लस 111 हो रहा, हर एक डिजिट अगर दो दो बढ़ जाए तो इसका मतलब प्लस 222 हो रहा है ना, 222 जुड़ रहा, हर एक डिजिट अगर तीन तीन बढ़ जाए तो इसका मतलब आपका 333 जुड़ रहा। तो सिंपली यहाँ पर अंतर निकालने की जरूरत ही नहीं, आपको समझ में आ गया 111 जुड़ रहा। अगला क्या होगा, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 578। नेक्स्ट आ जाइए 35 से, जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसमें पहला टर्म आपको दे रखा हुआ है 6, अगला दिया हुआ 13 और उसके बाद दिया हुआ है 28। सिंपली नजर आ गया 13 का दुगना 26 प्लस 2 कितना 28, 6 का दुगना कितना 12 और 1 कितना 13, आगे भी हम 2 गुना करेंगे और 3 जोड़ेंगे, 56 हो गया 2 गुना 28 तो और 3 जोड़ा जवाब आ गया 59। 36वां सवाल देखते हैं, 36वें में आपको दिया हुआ है 11, 12, 17, 18, 18 के बाद कितना है 23 और 24 क्वेश्चन मार्क, क्या आ रहा 29, क्या करा जाए,
इधर जब भी आपको ऐसे नंबर मिले यहाँ देखो 17 फिर 18 12 के बाद 17 एक बार तेजी से बढ़ रहा है एक बार धीमे। और आपको कल कंपाउंड सीरीज में बताया था जब दो या दो से ज्यादा सीरीज आपस में मिलाते तो सीरीज थोड़ी बड़ी हो जाती है, और जब दो डिफरेंट टाइप के पैटर्न आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर दो या दो से ज्यादा सीरीज है। एक तो आप ऐसे बना सकते हो 11 6 17 17 6 23 प्लस 6 हो रहा है, और ये वाले उसमें 12 6 18 और 18 6 कितना 24। दो आपका जो सीरीजेज है दोनों सीरीजेज अल्टरनेट आप ले रहे हो, दोनों में प्लस 6 कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। प्लस 6 करोगे तो जवाब कितना निकल आएगा 29। 37वां देखें, 37वां सवाल है, इसमें आपको दिया हुआ 225 336 वही सवाल आपका रिपीट कर रहा है, हर एक डिजिट एक एक बढ़ जा रही है। अगर हर एक डिजिट एक एक बढ़ रही है तो इसका मतलब प्लस 111 हो रहा है, जवाब आपको 447 का चाहिए, 558 जवाब आ जाएगा। 38वां देखें, 38वें में आपको दिया हुआ है 840 168 42 14 7 और क्वेश्चन मार्क। जब भी कभी लेफ्ट में आपको बड़े नंबर मिले तो आप बजाय लेफ्ट से शुरुआत करने के हमेशा छोटे साइड वाले नंबर शुरुआत करें। ये दो गुना है इधर, इधर कितने गुना है 3 गुना, ये 4 गुना, ये 5 गुना, जवाब आपको निकलेगा यहाँ पर ऐसी नंबर जिसको एक गुना करने पर 7 मिले, ये कितना निकल आएगा 7। नेक्स्ट देखिए आपका 39 में यहां पर है 5 6 7 8 10 11 and 14। क्या करना चाहिए इसमें देखिए, सीरीज एक से ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ा बड़ी सीरीज है, अगर एक से ज्यादा है तो कितना हो सकती है 2 2 3। अगर हम दो सीरीज देखें तो मैं आपका 5 से 7 7 से 10 10 से 14 क्या मिल रहा, पहले +2 +3 +4 और इस वाले में +2 +3 यहाँ भी +2 +3 जो दूसरी अल्टरनेट सीरीज आपकी जवाब मिल जाएगा +4 करके जवाब आपका आ जाएगा कितना 15। 40वां सवाल देखें, 40वें में आपको दिया हुआ है 0 4 6 3 7 9 6 क्वेश्चन मार्क एंड 12। यहाँ भी दो अलग पैटर्न नजर आ रहा है 0 4 6 फिर 3 आ गया, यहाँ पर दो सीरीज हो सकती है, 3 हो सकती है 4 हो सकती है, तो सिंपली हम चेक करते हैं यहाँ कितनी सीरीज हो सकती है। अब आपका 3 सीरीज की पॉसिबिलिटी देखें, 0 से 3 3 से कितना 6 दो दो छोड़ के, तो यहाँ पर +3 इसमें भी क्या अप्लाई हुआ +3, लेकिन जवाब तो हमें इससे मिलेगा नहीं, हमें तो यही चाहिए। इसको चेक करें 4 से 3 7 इसमें भी 3 जुड़ा, और यहाँ 7 से 3 जुड़ के जवाब कितना मिल जाना चाहिए 10। आगे यहाँ पर देखें 6 6 से 3 जुड़ के 9 9 से 3 जुड़ के 12, 3 सीरीज है इस सवाल में, और उन तीनों सीरीज में प्लस कितना हो रहा है, प्लस हो रहा है 3। ठीक है, और पहचान क्या है कंपाउंड सीरीज यानी यौगिक श्रेणी की, जब सीरीज जरूरत से ज्यादा बड़ी आपको मिल जाए तो समझ जाइए वहां पर एक से ज्यादा सीरीज है। 41 और देखिए, 41 में आपको दिया हुआ 1 1 3 9 स्क्वायर दे रखे हुए हैं, 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का 9 है, 6 का 36 है, आगे यहाँ 10 दिया हुआ, 10 के साथ 100 है, और क्वेश्चन मार्क देंगे 225, तो पता है 225 कितने का स्क्वायर होता है 15 का। 42वां सवाल देखें, 23 24 26 29 32 उसके बाद है आपका 42 और 62 क्वेश्चन मार्क, कौन बताएगा? आज लाइव क्लास में मैंने सवाल बताया था, देखो ये भी एक स्पेशल सीरीज का एग्जांपल है, कुल टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन यहाँ नंबर एक बड़ा सिस्टमैटिक पैटर्न बढ़ रहा है, 7 टर्म दिए और क्वेश्चन मार्क के साथ जो टर्म फाइंड आउट करना उसको मिला 8 टर्म है। अगर आप देखोगे +1 +2 +3 देन आपका फिर आपको समझ में आएगा, इधर +3 देन +10 +20 इस तरीके से। आप यहां से जरा एक बार बाइफरकेट करिए, देखो दो हाफ बना दिए, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ का पहला नंबर क्या है 23 और सेकेंड हाफ का पहला नंबर क्या है 32, सिर्फ डिजिट रिवर्स हो रही है। इसका सेकेंड नंबर फर्स्ट हाफ का 24, इसका क्या है 42, डिजिट रिवर्स हुई।
यहाँ पर 26 डिजिटल रिवर्स ओके 62 जवाब आप इतना इंटेलिजेंट हो बता ही सकते हो ना क्या हो जाएगा 43 याद रहेगा तिवारी जी ये वाला सवाल यस सर याद रहेगा एक सप्ताह बाद पूछा जाएगा 1, 4, 2, 8, 6, 24, 22, 88 और क्वेश्चन मार्क नंबर देखते ही समझ में आ गया 22 का 4 गुना 88 होता है 6 का 4 गुना 24 होता है 1 का 4 गुना 4 होता है और 2 का 4 गुना 8 लेकिन ये समझिए आपको जो नंबर चाहिए वो कैसे मिले वो देखिए 4 से 2 माइनस 2 हुआ 8 से 6 माइनस 2 हुआ 24 से 22 माइनस 2 यहाँ पर 88 से माइनस 2 कर लेंगे आपको जवाब मिल गया कितना 80 से इसके बाद का भी नंबर बताना होता तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते 44 में 13, 32, 24, 43, 35 क्वेश्चन मार्क 46, 65, 57 एंड 76 बड़ी सीरीज है एक से ज्यादा आपका नंबर्स की संभावना है देखिए दो सीरीज ले ले 13 और 11, 24, 24 और 11, 35, 35 और 11, 46, 46, 11, 57 इससे काम नहीं बना आपको जवाब नहीं मिला ये देखिए 32 और 11, 43, 43 में 11 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 50 और जवाब अगर सही है तो आगे भी आपको प्लस 11 करने 65 मिल गया नेक्स्ट देखते हैं 45 क्वेश्चन नंबर 45 जो आपको ये शीट है इस पे 45 नंबर क्वेश्चन में 8, 9, 8, 7, 10, 9, 6, 11, 10 क्वेश्चन मार्क एंड 12 क्या हो रहा है इसमें तीन सीरीज ले लें 8 से 7 7 से 6 6 से यहां पर क्या आ जाना चाहिए जवाब 5 बाकी सीरीज से आपको ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए अगर आप करना ही चाह रहे हो तो देखो 9 से 10 10 से 11 11 से 12 इस पर प्लस 1 हो रहा है इसमें 8 से 1 9 9 से 1 जुड़ के कितना हो रहा है 10 तो इस तरीके से आपका ये था क्वेश्चन नंबर 45 नेक्स्ट आते हैं 46 पे 46 में 11 और 11 से 10 हो गया है माइनस 1 हुआ इसके बाद यहाँ पर पता नहीं है आपको क्या टर्म होना चाहिए वो आपको फाइंड आउट करना बीच का मिसिंग टर्म देन 100 है 100 के बाद दिया हुआ 1001 फिर उसके बाद आपके पास है कितना 1001 के बाद 1000 है और उसके बाद आपको दिया हुआ है 10001 यहाँ पर ये क्या हो रहा है 100 से 1001 इनटू 10 प्लस 1 हुआ 100 का 10 गुना 1000 और 1 जोड़ दिया कितना हो गया 1001 और 1001 से दोबारा आपको जब 1000 मिल रहा तो माइनस क्या हुआ 1 यहाँ पर भी माइनस 1 हो रहा था शुरुआत में 11 से 10 में आगे जब यहाँ पर बात कर रहे हैं 1000 से फिर से 10000 तो 1000 का 10 गुना 10000 प्लस 1 तो एक बार समझ में आया तो मैं इंटू 10 प्लस 1 हो रहा और एक बार क्या हो रहा सिर्फ माइनस 1 तो यहाँ पर माइनस 1 हो चुका है अगला टर्म फाइंड आउट करने के लिए इंटू 10 प्लस 1 करना पड़ेगा इंटू 10 प्लस 1 करने पर 100 का 10 गुना 10 का 10 गुना 100 प्लस 1 करने पर कितना मिल जाएगा 100 और अगर पैटर्न सही तो अब की बार नंबर होगा माइनस 1 करने का 101 से माइनस 1 करने पर नेक्स्ट टर्म आपको मिल जा रहा 100 क्वेश्चन नंबर 47 4 upon 9, 9 upon 20 क्वेश्चन मार्क 39 upon 86 जब भी कभी इस तरीके की सीरीज हो जिनमें आपका फ्रैक्शंस में वैल्यू दे रखी हो तो आप सारे नंबर्स को पहली चीज अगर मिक्स फ्रैक्शन में हो मिश्रित भिन्न के रूप में सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए न्यूमिनेटर्स की अलग सीरीज चेक करो डिनोमिनेटर्स की अलग सीरीज चेक करिए हर और अंश की अलग अलग श्रृंखलाएं बनाइए और अगर नहीं बन रही तो अंश और हर में रिलेशनशिप देखिए यहां पर अगर आप
हर की श्रृंखला देखोगे तो यहाँ पर 9 दुनी 18 प्लस 2 20, अगर हम सेम पैटर्न अप्लाई कर दे तो 20 दुनी 40 प्लस 2 42, 42 अगर सही है तो आगे का टर्म मिलना चाहिए 42 दुनी 84 और 2 86। ऊपर देखते हैं 4 दुनी 8 प्लस 1 9, ऊपर इंटू 2 प्लस 1 9 दुनी 18, 18 प्लस 1 कितना आ जाना चाहिए 19, 19 अगर करेक्ट है तो 19 दुना 38 प्लस 1 39। तो जो न्यूमिनेटर है उस न्यूमिनेटर में क्या अप्लाई हो रहा है इंटू 2 प्लस 1 और जो डिनोमिनेटर है इसमें क्या अप्लाई हो रहा है इंटू 2 प्लस 2। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, मैं आपको एक सीरीज अगर देता हूं, ये मान लिया इस तरीके सीरीज है 11 होल 1/9, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इसके बाद आपके पास है 14 2/7 20 31/3 एंड क्वेश्चन मार्क। आपको यहां पर बताना है कि कौन सा टर्म आएगा, ये आपकी शीट पर नहीं, मैं अलग से आपको इस सवाल को करा रहा हूं। इसमें कुछ टर्म्स आपको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है और कुछ प्योर इंटीजर यानी पूर्णांक के रूप में है। तो आप सबको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें सरल भिन्न के रूप में। तो सरल भिन्न के रूप में कन्वर्ट करोगे तो 11 9 99 और एक जोड़ने पर 100/9, ये हो जाएगा आपका कितना 14 7 98 यानी 98 प्लस 2 100/7, ये 20 लिखा हुआ है और ये 33 99 और 100/3। अब यहाँ पर अगला टर्म फाइंड आउट करना है, भाई ये पैटर्न तो होना चाहिए कि सर ऊपर सब में 100 100 100 चल रहा है तो यहाँ भी 100 होना चाहिए और ये जो 20 था 9 7 3 तो यहाँ 100/5 होना चाहिए, 100/5 देखो कितना होता 20। तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 20 दिया गया। जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 100 100 कितना आना चाहिए पैटर्न फॉलो करते हुए एक, यानी आपका जवाब होगा आगे देखें 48 48 में आपको दिया हुआ है 2/√5, उसके बाद है 3/5, 4/5√5, 5/25। हालांकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, तो आपको और कंफ्यूज करना होता तो 1/5 भी लिख देते, है ना, ज्यादा कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट होता है। और नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा, ऊपर तो न्यूमिनेटर से क्लियर है 2 3 4, तो अगला आपका नंबर क्या आना चाहिए 6। मैंने फिर बोला अगर इसी सवाल को मुश्किल बनाना होता तो यहाँ सिर्फ हमें 1/5 लिखना था, आप कंफ्यूज हो जाते। नीचे आपका सिर्फ √5 से मल्टीप्लाई होता चल रहा है, √5 × √5 कितना हो जाएगा 5, ये सबको पता होना चाहिए ना कि जब आप दो आपका सेम नंबर जो कि रूट के अंदर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई करते हो तो रूट हट जाता है ना। सेम यहाँ पर जब 5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5√5, देन अगेन 5√5 को जब √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका √5 √5 5 हो जाएगा, 5 × 5 कितना होगा 25। अब आगे जो नंबर आपको मिलेगा आपके वो यहाँ पर मिलेगा 25/√5। नेक्स्ट देखें 49 में नंबर्स आपको ग्रुप में दे रखे हैं पेयर्स के फॉर्म में 2 2.3 3.5 5.7 7.11 एंड नेक्स्ट पेयर है 11.13। इतना तो क्लियर, जो जवाब होगा उसमें 13 आएगा क्योंकि जो आपका पहले पेयर का लास्ट नंबर है वो नेक्स्ट पेयर में पहले नंबर पर आ रहा ना, इस पेयर में जो लास्ट नंबर है सेकंड नंबर है वो यहाँ फर्स्ट नंबर हो जा रहा है। और स्पेसिफिकली है क्या, ये सारे नंबर आपका प्राइम नंबर है। अब आज संख्या है 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, तो बस यही कंफ्यूजन यहाँ पर था, 2 और 3 है, 3 और 5 सारे प्राइम नंबर्स के पेयर है। तो अगला आपको यहाँ 13 के साथ प्राइम नंबर चाहिए वो कौन हो जाएगा 17। प्राइम नंबर्स 2 जाए ओनली 2 फैक्टर्स, या तो उनका एक फैक्टर 1 है या फिर वो स्वयं वही नंबर। एंड लास्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको सीरीज दे रखी हुई है और आपको 10वां टर्म बताना है। 50 नंबर क्वेश्चन ये है 2 6 18 54 और आपको बताना है इस तरीके से कि 8th टर्म क्या होगा। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ऐसे करते करते आपको चाहिए कौन सा 8वां टर्म चाहिए। अब भाई तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई 3 से होता चल रहा है,
लेकिन आप तीन से मल्टीप्लाई करते करते भी आप निकाल सकते हो, एक तो पैटर्न ही हो जाएगी, फिर पांचवा टर्म निकाल लिया, छठा निकाल लिया, सातवां आठवां मल्टीप्लाई तीन 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 से कर दो, या यहां से करोगे तीन 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 नौ नौ तीन सत्ताईस सत्ताईस तीन इक्यासी सीधा 54 को 81 से मल्टीप्लाई कर ले आपको जवाब मिल जाता है। या फिर दूसरा, अगर जिन लोगों ने आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो उनको समझ में आ रहा है कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी है और जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है तो दैट इज ar टू द पावर n माइनस 1 हमें बताना है। आठवां पद, तो आठवां पद क्या होगा, एट टर्म होगा ए यानी फर्स्ट टर्म टू, आर का मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका तीन का है, तो थ्री और आठवां टर्म बताना, तो एन की जगह पर आठ माइनस एक तो यह आएगा दो गुणे तीन की पावर कितना सात। अब इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिए, दो गुणे ये कितना होगा, तीन तिया नौ तिया सत्ताईस तिया इक्यासी तिया कितना 243 तिया 729 यानी इसका मतलब 2 × 729 × 3 आप इसको सॉल्व कर लीजिए आपको जवाब मिल जाएगा 4 3 3 7 4 इधर अप्लाई दिस मेथड और दिस मेथड। ठीक है, तो ये थे आपके सीरीज में बीच का मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना या फिर आपका आगे का जो नेक्स्ट टर्म है वो फाइंड आउट करना। ये कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टीज में आपका कुछ बहुत ही सरल सवाल थे और कुछ आपका मिड लेवल के थे, एक आधा सवाल आपका थोड़ा हायर लेवल के थे। नेक्स्ट वाले टर्न पर जब हम वर्कआउट करेंगे सीरीज में तो हम बात करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज की, यानी सीरीज में ही आपका अगर एक कोई आपका ऐसा नंबर आ जा रहा है वहां बजाय मिसिंग नंबर के कोई आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो कि गलत होगा, जो सीरीज का एक पैटर्न बनने नहीं देगा। प्लस उसके अलावा नेक्स्ट यही जो है टर्न में नेक्स्ट वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें वर्कआउट करेंगे ऐसे सीरीज के क्वेश्चंस पर जिनमें थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी इससे हायर लेवल का होगा। ठीक है, ओके, टिल देन थैंक यू।